हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में, दिल की बात अमित और तबिता के साथ। तो आज हम क्या टॉपिक लेकर आए हैं अमित? आज का हमारा टॉपिक समाज से जुड़ा हुआ है। समाज से हम सब जुड़े हुए हैं क्योंकि इंसान एक सामाजिक रूप है जो समाज के बिना पनप नहीं सकता। जी अमित, और हम अगर एक देश में रह रहे हैं, किसी एक सिटी में रह रहे हैं, तो हमें वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। जी हाँ, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे तभी हम देश को, अपनी सोसाइटी को और अपनी स्टेट को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही रूल फॉलो करने चाहिए, ये रूल हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने देश को और बेहतर बना सकें। तो इसी के कुछ एग्जांपल्स, सिविक सेंस, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। डेफिनेटली सिविक सेंस इज आवर टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सिविक सेंस पे, और इसमें इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाती हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती हैं, जिस पे आई थिंक लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। साधारण सी चीजें हैं जिनका अगर हम सही तरीके से सोच समझ कर उपयोग करें और सोचें तो हम इस समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, इस देश को बेहतर जगह बना। सो व्हाट इज सिविक सेंस? थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को पता है कि सिविक सेंस बोलते सब लोग हैं, लेकिन उसका मतलब, उसका डेप्थ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता हो। पढ़ा सबने है स्कूल में, जी हाँ, फिर भी हम एक रिफ्रेश करा देते हैं थियोरेटिकली। सिविक सेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इन अ वे दैट प्रमोट्स द कॉमन गुड and consider society's norm. Exactly. Everybody should learn civic sense, should have civic sense. That makes you a responsible citizen. Certainly. और अगर हम इसके कुछ examples देखें, क्योंकि हमें लोगों को बताना है, हम खाली भाषण ही नहीं दे सकते civic sense का, हमें एक common language में, general language में हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो कुछ एग्जाम्पल सिविक सेंस के अगर हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। सविता, हम लोगों को कायदे कानूनों के बीच में रहने की आदत कम हो चुकी है। जहाँ देखो लोग टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, पीछे और आगे किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा होता। जी हाँ, और लेडीज के लिए रूल निकला था कि लेडीज को भी हेलमेट लगाने हैं, लेकिन लेडीज को अभी भी आप देखें तो लेडीज हेलमेट पीछे बैठ के नहीं लगा रही है। क्यों? क्योंकि उनके हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, उनका मेकअप खराब हो जाएगा। अरे बाबा, इन सब से जरूरी आपकी सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल सही। उसके अलावा पूरा परिवार ही बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। जी हाँ, पांच पांच छह छह लोग बाइक पे बैठे हैं, एक बच्चा आगे, दो बच्चे बीच में, फिर वाइफ। कितना डेंजरस है, हमने कभी सोचा है इस बारे में? और उसके अलावा एक चीज और आप ध्यान करें तो आपको याद आएगा, लोगों का सड़क पे चलना, अचानक से किसी गाड़ी के सामने आ जाना या भाग के सड़क क्रॉस करना। जी हाँ, इसको कि कानूनी भाषा में जे वॉकिंग कहा जाता है, जिस पर चालान भी है। अच्छा जी हाँ, हमें अगर हमें रेड लाइट से क्रॉस करना है तो जीब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनी है? जीब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बनी है कि जब रेड लाइट है तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वहां से क्रॉस करें। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और कुछ एग्जांपल्स देखिए, हॉन्किंग कितनी करते हैं अननेसेसरीली। हॉन्किंग, उसके अलावा आप अननेसेसरी यूज ऑफ डिपर्स, बहुत बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, सामने वाले को आप इरिटेट कर देते हैं।
जो कि अच्छी आदत नहीं है। और हमें ये इन सब चीजों को सुधारने की हाँ, बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। और ये आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये लॉ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन, लोगों का तो लगता है जैसे हॉर्न के ऊपर हाथी चिपक गया है। अननेसेसरी हॉन्किंग आप नहीं कर सकते। आप खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, सामने वाले और अड़ोस पड़ोस में जो चल रहे हैं उन सबको भी आप परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कोई परेशान हो के गलत डायरेक्शन में मोड़ दे और आपका और उनका दोनों का नुकसान हो जाए। जी हाँ, ऐसे लोगों को सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो शायद न्यू ड्राइविंग सीख रहे होंगे। और ऐसे लोगों के साथ आप जब ऐसे हॉन्किंग करके और जो ऐसे शाये शाये जो गाड़ियां चलाते हैं बगैर डिपर दिए, आपको पता है ये कितना बड़ा रूल है? आप बगैर डिपर, सॉरी, आप बगैर इंडिकेटर दिए आपको गाड़ी नहीं मोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लोग इनको बहुत छोटा समझते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से हमारा देश और आगे बढ़ेगा। ऐसी जल्दी भी क्या कि आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच ही ना पाए। जी, इसीलिए बोला जाता है ना, बेटर लेट देन नेवर। डेफिनेटली। चलिए अमित, आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हम लोगों को बताएं कि वो सिविक सेंस में आते हैं। अरे अरे, देखो बालकनी में से किसी ने कूड़ा फेंक दिया। ओह माय गॉड, रियली, लिटरली आई एम फेड अप विद दिस। आप बड़ी बड़ी सोसाइटियों में भी देखें या कहीं पे भी देखें, आप लोगों को पता नहीं क्या है, घर में सबके डस्टबिन है, एंड आई होप सबके घरों में डस्टबिन होते हैं हमें, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी बालकनियों से कूड़ा फेंकना, गुटखा थूकना बंद नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें हैं सिविक सेंस। गुटके की तो निशानी आपको हर बिल्डिंग के किनारे कूचों पर मिल जाएंगी। लोगों का बस नहीं चलता वरना कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही पेंट कर दें। जी, आप कहीं पे भी सीढ़ियों में देखें, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखें जहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, बिल्कुल वहां पे भी दीवारें गुटका फेंक फेंक के, थूक थूक के लोगों ने दीवारें खराब कर रखी हैं। अरे, आप क्या अपने घर के अंदर भी ऐसा करते हैं? I अरे अरे, वो देखिए, बस में से किसी ने पीक मारी और बाइक वाले के हेलमेट पे गई। ओह माय गॉड, ऐसे लोगों का क्या करें? वो बेचारा पता नहीं कहाँ अपनी जॉब के लिए जा रहा होगा, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा होगा, और एक आदमी ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया। आप सोचिए कि ऐसा कुछ अगर आपके साथ घट जाए तो आपको कैसा लगे? बहुत ही गलत बात। एक चीज बताएं, हम हिंदुस्तान में हैं तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आप क्या बोलें, कोई पेनल्टी नहीं है, और यही लोग अगर फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तब क्या होता है? वहां तो थूकने पे भी फाइन होता है, वहां तो आप रेड लाइट क्रॉस करते हुए भी सोचते हैं पहले ग्रीन होने का वेट करना पड़ेगा। वहां पे लेन ड्राइविंग करते हैं, बिल्कुल, वहां जाके क्यों एकदम से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? वहां जाकर बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ तो हॉर्न की आवाज नहीं आती। हाँ, तो हमारे देश में क्यों नहीं? क्यों हम अपने देश को क्यों गंदा कर रहे हैं? अपनी सिटी को, अपनी नेबरहुड को क्यों गंदा कर रहे हैं? आप देखें, एक बार हम जा रहे थे कहीं पे गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी में से किसी बच्चे ने चिप्स खाए और वो चिप्स का पैकेट ऐसे उड़ा दिया, और वो उड़ के चिप्स का पैकेट कोई पीछे बाइक वाला आ रहा था उसके मुंह पे चिपका। आप ये सोचें इससे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों को हम लाइटली ले जाते हैं, और ये सब चीजें आती है हमारे सिविक सेंस। सिविक सेंस
बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप एक एक जन अगर इसको अप्लाई करेगा तो देखो हम अपने देश को, अपनी सिटी को कितना सुंदर बना सकते हैं। हमें भी प्राउड होगा बोलने के लिए। इवन फॉरेनर्स आते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए वीडियोस, फॉरेनर्स आके वीडियो इंडिया का क्या बनाते हैं, गंदगी, कंजेस्टेड एरियाज, ये सब वीडियोस बनाते हैं। तो क्यों ना हम अपने देश को, अपनी जगह को, अपनी सिटी को, अपनी गलियों को, अपने नेबरहुड को साफ सुथरा रखें। अरे वो देखो नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पी रहा है। ओ माय गॉड, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा, हमारी जो सरकार है उनको और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अच्छा एक चीज मैंने देखी हमें कि नो स्मोकिंग जोन के तो पोस्टर्स और सब जगह लगे होते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी, बट स्मोकिंग हेयर का कहीं पे बोर्ड मैंने नहीं देखा है। कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ने डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज बनाने शुरू कर दिए हैं, मगर अगर ऐसा सभी जगह होने लगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हम लोग पैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम पॉल्यूशन की कर रहे हैं, साथ साथ अब आप स्मोकिंग आप वैसे भी इनहेल करने लगेंगे सिगरेट्स के या बीड़ी के, तो आप सोच सकते हैं हमारी सेहत को कितना फायदा होगा। तो हम अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से पूछना चाहेंगे कि क्या सरकार को पब्लिक प्लेसेस में भी स्मोकिंग जोन एरिया डेजिग्नेट करने चाहिए। आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि पब्लिक एरिया में मैंने कहीं नहीं देखे हैं कि स्मोकिंग जोन करके कहीं पे डेजिग्नेशन हो रखा है, इसीलिए लोग खुलेआम कहीं पे भी स्मोक करते हैं खड़े। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके अलावा एक बहुत बड़ा विषय आ जाता है कि हमें बुजुर्गों की, औरतों की और विकलांगों की इज्जत करनी चाहिए। जी अमित, इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, और बहुत दुख होता है, बहुत शर्म की बात लगती है कि मेट्रोज में, बसेस में, एक तो लोगों को देखा है कि वो हेडफोन लगा के बस अपने फोन में बिजी रहते हैं। अगर कोई बुजुर्ग भी आके खड़ा हो जाए या कोई प्रेग्नेंट वुमन भी आके खड़ी हो जाए तो वो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है, और सीट भी नहीं देते। अगर जानबूझ के कोई ध्यान ना देना चाहे तो आप कैसे ध्यान देना है? ये हमारे मन से आना चाहिए। उन्हीं की जगह अगर हम उनके पेरेंट्स को रखें तो वो कितनी जल्दी दूसरों को उठा देते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ हों कि प्लीज आप उठिए, ये बुजुर्ग हैं, इनको बैठने दीजिए। बिल्कुल। तो हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। कोई डिसेबल्ड है, उनकी सीट पे भी लोग बैठ जाते हैं, कायदे से हमें बैठना नहीं चाहिए, उस सीट को हमें वेकेंट छोड़ना चाहिए। नहीं, अगर आप बैठ भी गए हैं तो अगर आपको कोई दिख रहा है तो प्लीज उसे आप सीट दे दें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी हम अपने देश में भी बोल सकेंगे, फॉरेनर्स आके भी हमारे यहाँ बोल सकेंगे कि ओ इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया इज वेरी स्ट्रिक्ट। बिल्कुल, हमें ऐसा बनाना है। प्रेग्नेंट लेडीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी। जो लेडीज बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, उनको भी जगह देनी चाहिए। आप ये सब सोच के चलें तो हम इस समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं रहने के लिए। अब हम अगर आगे बात करें तो पब्लिक कन्वीनियंस जो होते हैं, प्लेसेस, वॉशरूम्स जो बने होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, उनकी भी केयर करना हमारे ही हाथों में है। और मैं इस चीज के लिए मैं ग्रेटर नोएडा में मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि यहाँ पे हर 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पे, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पे, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पे एक पब्लिक कन्वीनियंस है। पिंक टॉयलेट्स साथ में अलग है, पिंक टॉयलेट्स अलग है फीमेल्स के लिए, और जो इतने साफ सुथरे हैं, हमने यूज भी करे हैं कभी, तो क्यों ना ऐसे ही हमने दिल्ली में हैं, बहुत जगह हैं और भी सिटीज में हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर फ्री,
जी एक भी पैसा नहीं लगता है। तो ऐसा ही हमें बनाना है पूरा देश। और अगर हम यूज कर रहे हैं पब्लिक टॉयलेट तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको क्लीन छोड़कर आए, फ्लश करके आए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे ज्यादा इलैबोरेट उसको करना चाहिए। आप चित्रकारी के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा जी, है। जी 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 अब हम आगे बात करें कि एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। एजुकेशन स्टार्ट्स एट होम। हमारा विश्वास यही होता है, नींव जो डाली जाती है वो घर से शुरू होती है। जी। अगर आप बच्चे के सामने घर में ही कूड़ा फेंक रहे हैं तो वो बाहर जाके कैसे फेंके। जी हाँ, हमें बच्चों को बचपन से ही, अगर घर में बच्चे को कोई एक टॉफी दी है और वो उस टॉफी को खाने के लिए रैपर ओपन करता है, तो आपको उसी टाइम अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि बेटा टॉफी खानी है बट रैपर डस्टबिन में फेंक कर आइए। घर से ही एजुकेशन स्टार्ट होती है। स्कूल में तो सिविक सेंस पढ़ाई जाती है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको हमें घर में अप्लाई करना पड़ेगा। माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत, ये हमारे यहाँ सिखाई जाती है, मगर खाली इस चीज को घर तक सीमित ना रहने दें, इसे समाज में भी फैलाएं। जो बच्चे घर में इज्जत करते हैं वो बाहर भी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, लेडीज की इज्जत करें, तो कितना अच्छा लगेगा। जी हाँ, इसलिए बोला जाता है कि घर से ही एजुकेशन स्टार्ट होती है। अगर घर से ही ये सब कुछ बच्चा सीख के जाएगा जी तो आप ये सोचें उसको स्कूल में सिविक सब्जेक्ट पढ़ने में कितना मजा आएगा। जी हाँ, और वो फिर आगे अपनी लाइफ में पूरी होल लाइफ वो उन चीजों को अप्लाई करे। और मैं तो ये चाहता हूँ समाजशास्त्र को या सिविक सेंस को स्कूल्स कॉलेजेस के अलावा आप रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करें तो ये दुनिया, ये देश और ये शहर और ये मोहल्ला और ये सोसाइटी जी हाँ एक बेहतर जगह बनाई जा सकती है रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पे देखिए, हम भी सोशल मीडिया पे ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। क्यों हम ऐसे टॉपिक्स ले रहे हैं? ताकि लोग और जागरूक हों, लोगों को समझ आए। अभी उल्टे सीधे वीडियोस तो बना के लोग रील वायरल करते थे, लेकिन कौन इन चीजों के बारे में सोच रहा? रील्स तो आज की डेट में हम सब देखते होंगे, मगर क्यों ना हम एक शुरुआत करें जी। हम सब मिलकर ऐसी रील्स को पोस्ट करना शुरू करें जिनमें जो सिविक सेंस से रिलेटेड। जी हाँ, और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने स्वच्छता एक ऐसा ऐप बनाया है जिसपे आप सिविक इश्यूज को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा आप अपने इलाके के MCD काउंसलर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए या सिविक प्रॉब्लम्स के लिए कि वो आपकी हेल्प करें, क्योंकि उनका ये काम है। जी हाँ, और शुरुआत क्यों ना हम अपने ही घरों से करें, अपने ही दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से। आप अपने परिवारजनों से, अपने कजन से, अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो आप उनको इस चीज के लिए आप जागरूक करें। एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। जी हाँ, और एक जना आगे चार लोगों को ये एजुकेशन दे, आगे चार लोगों को देंगे, तो ऐसे ही पहल करके एक 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 कड़ी जुड़ती चली जाएगी और हम अपने देश को, अपनी सिटी को और बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल तबिता, एक बेहतर देश हम सब के लिए बहुत जरूरी है, मगर उस सब के लिए हमें एक बेहतरीन नागरिक बनने की जरूरत है। जी हाँ, उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमने अपनी दिल की बात आपके पास पहुंचा दी है। जी हाँ, हम आपके कमेंट्स के तहे दिल से इंतजार करते हैं। यस, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और हमें बताएं, अगर हमसे कोई चूक हुई है तो उसे भी बताएं। जी हाँ, मे बी वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, तो प्लीज हमें करेक्ट कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए कि हम कहाँ गलत हैं।
ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। ऐसे ही कोशिश अगर हर एक जन करे तो एक दूसरे को उनकी गलतियां बताने में हमें बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि हमें लोग हमारी बताएं हमारी कमियां, कि हम आगे और कैसे सुधार कर सकते। तो अमित, इसी के साथ आज का हम ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं और आशा करते हैं आप सब लोगों को हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है और प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। अगर हम इस छोटे से वीडियो को ही शेयर कर देंगे तो भी शायद लोगों के दिमाग में बत्ती जलेगी कि ओ ये छोटी छोटी चीजें हैं सिविक सेंस में, ये तो हम रोज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम दोनों आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर जल्दी मिलेंगे दिल की बात के एक नए एपिसोड एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दिस इज अमित साइनिंग ऑफ, दिस इज तबिता, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।